नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्वविख्यात साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, अध्यापक, तत्वज्ञानी, संगीतज्ञ, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री के रूप में आज भी याद किया जाता है। वह एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर जी का विवाह 9 दिसंबर 1883 को मृणालिनी देवी से हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1910 में अमेरिका से लौटने पर प्रतिमा देवी नाम की एक विधवा से विवाह करके विधवा विवाह की प्रेरणा देने की कोशिश की थी। इससे पहले ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। टैगोर ने अपने जीवन में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृंत, नाटक और सहस्त्रों गाने भी लिखे हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बंगला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। टैगोर भारतीय संस्कृति के अतीत एवं गौरव के संरक्षक थे और उनका जीवन साहित्य, शिक्षा एवं दार्शनिक रूप में देश के नागरिकों को प्रेरणा देता है। आपने देखा रविंद्रनाथ टैगोर जी पर आसान शब्दों में निबंध। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।